जैक कारतूस को आगे से कुछ घिसता है, फिर ये उसमें एक छोटा सा होल करके उसके अंदर पारे की कुछ बूंदे डालता है और अब उसने एक शक्तिशाली जहरीली बुलेट तैयार कर ली है। अब ये गोली जिस किसी को भी लगेगी वो बुलेट के प्रहार से बच भी जाए, लेकिन उसमें मौजूद पारे के जहर से 100% मारा जाएगा। जैक ने अमेज़न से कुछ पुर्जे परचेज किए हैं, जिन्हें वो आपस में जोड़कर एक शानदार स्नाइपर राइफल बनाकर तैयार कर देता है। अब बस एक साइलेंसर की कमी है, तो जैक अपनी कार खुद ही तोड़कर एक रिपेयर शॉप रवाना हो जाता है। अब जब मैकेनिक उसकी कार रिपेयर करने में बिजी है, वो चुपके से उसके स्टोर में घुसकर छानबीन करता है। वो वहां से एक मेटल पाइप, कुछ कार गियर्स और एक स्पेसर चुरा लेता है। अब वो स्पेसर को गियर के ऊपर रख के एक हथौड़े के प्रहार से बैरिंग्स निकाल लेता है, फिर इन बैरिंग्स के ऊपर मेटल पाइप को चढ़ाकर एक कैप से टाइट कर देता है और एक हाई क्वालिटी साइलेंसर बनके तैयार है। जैक इस स्नाइपर राइफल को खरीदार के पास ले जाता है, जो जैक के सामने देखते ही देखते पूरी राइफल असेंबल कर देती है। वो इस राइफल को एक पेशेवर स्नाइपर की तरह असेंबल करती है। जैक को ये महसूस हो गया है कि वो भी उसी की तरह एक पहुंची हुई कातिल है। अब वो इस राइफल को आजमाना चाहती है।